हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से द रेल ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं हूँ नगीना रेलवे स्टेशन पर। आज हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है यहाँ से, तो मैं नगीना से हरिद्वार तक करूँगा और बहुत दिनों के बाद मैं एक पैसेंजर ट्रेन में सफ़र करूँगा। इस सफ़र के दौरान हम ये भी देखेंगे क्या हमारा पैसेंजर का किराया वापस आया है या फिर अभी भी हमें वही एक्सप्रेस वाला किराया देना पड़ रहा है पैसेंजर की सर्विस में। सियालदह एक्सप्रेस, वाइज दैट गुड न्यूज़। और यहाँ पैसेंजर का जो टिकट है वो फ़िलहाल लागू हो चुका है और सामने हमारा नगीना रेलवे स्टेशन। बस हमारी जर्नी होने वाली है चंदौसी ऋषिकेश, इसका अनाउंसमेंट हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अनाउंस हुआ है। WDP 3A। भाई 10:32 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन जो है लगभग 1.5-2 घंटे लेट है। अभी देखना ये कि ऋषिकेश हमें कितने टाइम तक पहुंचाती है। तो 10:40 पे हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है और हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो रही है। हंड्रेड की स्पीड से फिलहाल हमारा WDP 3A भी चल रहा है। और अभी हम बूंदगी पर अपना अराइवल ले रहे हैं सर। 10:51 पर हमारी ट्रेन बूंदगी आई है और बूंदगी पर केवल 2 ही ट्रेनों का स्टॉप है फिलहाल इस टाइम। पहली हमारी जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं चंदौसी ऋषिकेश पैसेंजर, और दूसरी आती है एक सहारनपुर और मुरादाबाद मेमू। बस ये 2 ट्रेन है, यानी कि 2 × 4 ट्रेन का हॉल्ट है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ट्रेन हॉल्ट नहीं करती है। बहुत छोटा स्टेशन है, बहुत कम यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं। ऐसे हम बूंदगी में इस समय, और अभी इस समय हमें 22545 यानी कि लखनऊ देहरादून वंदे भारत का ओवरटेक मिलने वाला है, क्योंकि वो ट्रेन हमारी नगीना से निकल चुकी है और हमारा सिग्नल भी ग्रीन है। इसका मतलब हमारी ट्रेन यहीं पर ओवरटेक करेगी। तो
11:02 हो गई है, मगर हमारी ट्रेन तो चली नहीं है। वंदे भारत की क्रॉसिंग आप लोगों ने देख ली होगी, पूरी 100 km/h की स्पीड पे उसने बूंदी को स्किप किया और हमारी इस ट्रेन को ओवरटेक भी किया। 11:04 यानी 11:04 पे हमारी ट्रेन बूंदी से निकल रही है। यहाँ पर वैसे तो 3 प्लेटफॉर्म्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जो ऊंचा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1। बाकी दोनों प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल उनकी हाइट ही नहीं है, ये मान लो कि आप बिल्कुल ज़मीन ही है जहाँ पर आपको उतरना भी है और चढ़ना भी है। और अभी हमारी ट्रेन मुरसदपुर पर अराइव हो रही है, जिसका स्टेशन कोड है MSTR। दो ही प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, केवल 4 ही ट्रेन यहाँ पर रुकती हैं, जिनमें 2 तो हमारी यही ट्रेन होगी जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, अप एंड डाउन चंदौसी हरिद्वार, जिसको इस एरिया में CH के नाम से जाना जाता है। ये देख सकते हैं इसका बोर्ड भी हमें नहीं दिख रहा है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर घास हो चुकी है, बिल्कुल भी सफाई नहीं की जा रही है, और प्लेटफॉर्म पर लोग कहाँ उतरेंगे, दैट्स अ वेरी बैड कंडीशन। थोड़ी बहुत दूर आगे चल के सफाई मिलेगी तो, वरना बहुत बेकार हालत है। देख लो, इस तरफ भी प्लेटफॉर्म नहीं है, उस तरफ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई इससे स्टेशन की। 11:15 पर डिपार्चर हो रहा है, बट प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब है लेकिन उस पर इतनी घास हो रही है कि आप वहाँ उतर ही नहीं सकते। सामने की तरफ तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत सफाई दिखेगी, बट जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है उस पर कुछ भी नहीं है। दिस इज मुरसदपुर। आपको सामने जो ट्रैक्स दिख रहे हैं ये कोटद्वार से आ रहे हैं, और इन ट्रैक्स की वजह से ही
नजीबाबाद को जंक्शन बोला जाता है। यहाँ पर सिद्धवली जनशताब्दी ऑपरेट होती है और पैसेंजर ट्रेन भी ऑपरेट की जाती है। लगभग 11:35 पर निकलने का टाइम है उसका, हमें प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दिख सकती है वो। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है इस समय और WDP 4D के साथ में रन करेगी। सामने आपको नजीबाबाद गजरौला पैसेंजर दिख रही है, जिसकी बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं आप लोगों की कि इसमें बिजनौर वाले रूट पर ट्रैवल करके हमें दिखाइए। बहुत जल्द आपको ये जर्नी भी मिलने वाली है। ये आनंद विहार और कोटद्वार टर्मिनल दोनों ही टर्मिनल हैं, हालांकि कोटद्वार को टर्मिनल के नाम से जाना नहीं जाता है बट है वो भी टर्मिनल ही। तो आनंद विहार टर्मिनल से कोटद्वार तक जाने वाली जो ट्रेन है उसका रेक खड़ा है यहाँ पर और ये वेब 5 के साथ में खड़ा हुआ है। सामने जो ट्रेन दिख रही है आपको वो कोटद्वार नजीबाबाद पैसेंजर है, जिसमें मैंने आपको ट्रैवल करके दिखाया हुआ है। तो बस 11:28 पर हमारी ट्रेन ने यहाँ पर अपना अराइवल ले लिया है। 9:33 का टाइम है तो आप मान सकते हैं पूरे 2 घंटे लेट हमारी ट्रेन चल रही है, मतलब सिर्फ 2 मिनट रुकी ट्रेन यहाँ पर, लेट है इस वजह से 2 मिनट का ही इसे हॉल्ट मिला और मैं आपको पूरी जानकारी भी नहीं दे पाया और ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो गई। तो आप मान के चलो कि यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, 54 ट्रेन्स यहाँ पर हॉल्ट करती हैं और 6 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं। नजीबाबाद गजरौला और नजीबाबाद कोटद्वार 2 ब्रांच लाइनें हैं जो यहाँ से चलती हैं और यहाँ पर पैसेंजर्स भी नजीबाबाद के स्टेशन से रन की जाती हैं। सामने आनंद विहार कोटद्वार एक्सप्रेस का जो रेक है आपको दिख जाएगा। इसका भी रिनोवेशन हुआ है तो इसके प्लेटफॉर्म थोड़े ऊंचे किए गए हैं तो बोर्ड वगैरह भी लगा नहीं है फिलहाल यहाँ पर। हमारी ट्रेन अराइव हो चुकी है फजलपुर रेलवे स्टेशन पर, FZL इसका स्टेशन कोड है और यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स जो आपको दिख रहे हैं
हमारी जो ट्रेन है वो दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पर इस समय अराइव हुई है। केवल पैसेंजर ट्रेन्स का ही होल्ड है यहाँ पर ज़्यादा, टोटल 10 ट्रेन्स का होल्ड है। जो नजीबाबाद गजरौला पैसेंजर चलती है और नजीबाबाद अलीगढ़ पैसेंजर चलती हैं और नजीबाबाद मुरादाबाद पैसेंजर चलती हैं, वो ट्रेन भी यहाँ पर रुक के जाती है जो वाया बिजनौर चलती हैं। तो मुझे मौजमपुर नारायण जो आगे स्टेशन आने वाला है वहाँ से जो बिजनौर वाली ब्रांच लाइन है जो गजरौला तक जाती है बिजनौर होके, वो वहाँ से कटती है, इसलिए उसको जंक्शन बोलते हैं। वो अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पर दो ट्रेन्स तो ये हो गई, मुरादाबाद सहारनपुर मेमू और एक जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं चंदौसी ऋषिकेश पैसेंजर अप एंड डाउन। तो इस टाइप से 10 ट्रेन्स का होल्ट है जो यहाँ पर है फजलपुर में। ये है मौजमपुर नारायण जंक्शन, यहीं से हमारी जो बिजनौर वाली लाइन है वहीं से कटती है, जो किरतपुर बिजनौर होते हुए चांदपुर होते हुए पहुंच जाती है धनोरा मंडी होते हुए गजरौला की तरफ। ग्यारह 48 पर हमारी ट्रेन मौजमपुर नारायण जंक्शन पर अराइव हो चुकी है। इसका स्टेशन कोड है MZM। यहाँ पर केवल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और 19 ट्रेन्स का होल्ड है। अब आपके दिमाग में आएगा कि 19 ट्रेन्स का होल्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि ट्रेन का जो होल्ड होता है वो तो जोड़े में होगा। बट यहाँ पर जो सियालदा एक्सप्रेस है जम्मू तवी कोलकाता, वो जब लक्सर की तरफ से आती है तब तो यहाँ रुकती है, बट जब ये मुरादाबाद के साइड से आती है तब यहाँ पर नहीं रुकती है। इसलिए यहाँ पर जो होल्ड है 19 ट्रेन्स का कुछ इस टाइप से है। और ज़्यादा होल्ड यहाँ पर इसलिए क्योंकि कोटद्वार से जो ट्रेन्स आती हैं जाती हैं दिल्ली, वो सारी ट्रेन्स यहाँ पर एक्सप्रेस भी होल्ड करती हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा ट्रेन्स का होल्ट है। और यहीं से जो जंक्शन इसलिए बनता है क्योंकि यहीं से हमारी जो ट्रेन है वो कट जाती है बिजनौर की तरफ। सिर्फ 1 मिनट का होल्ड लिया है यहाँ पर ट्रेन ने, 11:48 पर अराइव हुई है और 11:49 पर यहाँ से निकल चुकी है। अभी मैं आपको वो लाइन दिखाऊंगा जो बिजनौर के लिए जाती है यहाँ से, जिसके लिए जंक्शन पॉइंट बना है। और मौजमपुर नारायण जंक्शन से मेरी बहुत बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे मामा का जो घर है वो यहीं पर है और मैं यहाँ पर कई बार आया हूँ बचपन में भी और फिलहाल अभी भी आता ही रहता हूँ।
ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, बट बिजनौर दिल्ली तक की कनेक्टिविटी ये स्टेशन प्रोवाइड कर देता है। अभी हमारे ट्रैक्स अलग हो चुके हैं और हम बढ़ गए हैं मेन लाइन पर, जो हमारी ट्रैक जा रहे हैं लक्सर की तरफ। और सामने जो आपको ट्रैक्स दिख रहे हैं ये करो में ये निकल जाते हैं बिजनौर की तरफ वाया करतपुर होते हुए। ये हैं वो ट्रैक्स जो जाते हैं बिजनौर, किरतपुर, बिजनौर, हल्दौर, धनोरा मंडी, चांदपुर और फिर गजरौला होते हुए। और गजरौला में तो आपको पता ही है कि हमारी मेन लाइन है मुरादाबाद दिल्ली वाली। और हम निकल गए हैं अब लक्सर की तरफ। 96 अभी हम बढ़ रहे हैं चंदोक स्टेशन पर। चंदोक का प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा हो चुका है। अभी हम आ चुके हैं चंदक रेलवे स्टेशन पर, चंदोक इसका नाम है, CNK इसका स्टेशन कोड है। केवल 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर और 8 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। ट्रेन की संख्या यहाँ पर कम इसलिए हो गई है क्योंकि मौजमपुर से जो किरतपुर वाली लाइन है, बिजनौर वाली लाइन है, मौजमपुर से कट जाती है, तो वो ट्रेन यहाँ पर नहीं आती हैं। यहाँ पर जो मेन लाइन की ट्रेन हैं वहीं यहाँ पर रहती हैं। ये पूरा स्टेशन जो है वो कर्व पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं कर्व है सामने और इस तरफ भी कर्व ही है। ज़्यादा देर नहीं रुकी है ट्रेन यहाँ पर, केवल 2 ही मिनट्स रुकी है और 2 मिनट्स का होल्ट लेने के बाद ट्रेन CNK यानी कि चंदोक से डिपार्ट हो चुकी है। ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, सिर्फ छोटा सा स्टेशन है, एक ट्रेन जो है ज़्यादा रुकती नहीं है यहाँ पर।
पहले वाली आ चुके हैं हम। BLW इसका स्टेशन कोड है। यहाँ पर भी केवल दो ही प्लेटफॉर्म्स हैं, वैसे तो तीसरा भी नज़र आ रहा है मगर ये ऑपरेट तो कभी होता नहीं है क्योंकि ट्रैक्स की हालत आप देख सकते हैं। तो फिलहाल दो ही ट्रैक्स हैं यहाँ पर, दो ही प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और केवल वही चार ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं। हमारी ट्रेन बालावाले से निकल चुकी है, 10:22 का टाइम है यहाँ पर फिलहाल, लेकिन हमारी जो ट्रेन निकली है वो 12:11 पर निकली है, यानी कि यहाँ पर भी लगभग 2 घंटे लेट चल रही है ट्रेन, 1:50 के आसपास। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये लक्सर तक जाते जाते राइट हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा रखा है उन्होंने कैब का। ये हमारा ट्रेन का ब्रिज है और सामने आपको दिख रहा है वो रोड ब्रिज है। और ये है हमारा रायसी का छोटा सा खूबसूरत सा स्टेशन। यहाँ पर भी केवल दो ही प्लेटफॉर्म्स हैं और केवल चार ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं, एक यही और एक सहारनपुर मेमू, जिनके अप डाउन यहाँ पर रैक करते हैं, वो जो हमारे स्टॉप हैं वही करते हैं। दो मिनट के होल्ड के बाद ट्रेन चल चुकी है। हरिद्वार तक डबल लाइन है, डबल लाइन है, वहाँ से आ रही है बाईपास से, बाईपास से वो जो एक्सप्रेस ट्रेन आती है वहाँ से। हाँ फिर वही पास कर दूंगी पथरी पर एक साल का सफर पास कर दूंगी बिल्कुल भी। दो बजे का
का टाइम है राइट दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हमारी ट्रेन जा रही है। गाइस 12:32 पर हमारी ट्रेन लक्सर जंक्शन पर अराइव हो चुकी है। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर होल्ड की है और हमें फिलहाल इस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ा हूँ। यहाँ टोटल 78 ट्रेन होल्ड करती हैं। अब मैं आपको बता दूँ लक्सर जंक्शन क्यों है। जिस ट्रैक से हम आ रहे हैं, जिस लाइन से हम आ रहे हैं, वो लाइन आ रही है लखनऊ की तरफ से और जाएगी सहारनपुर की तरफ, मेन लाइन। इसके बाद लक्सर से एक ट्रैक जाता है देहरादून और हरिद्वार की तरफ, जिस पर अभी हम जाने वाले हैं। और जो सीधी ट्रेन निकल जाती है, अगर यहाँ सीधी निकल जाए बाहर रुड़की होते हुए सहारनपुर पहुँच जाती है, इसलिए हम लक्सर को जंक्शन बोलते हैं। और बड़ी बात यह है कि ट्रेन की जो लेटिंग थी वो 1 घंटा 40 मिनट थी लगभग रायसी तक, और लक्सर पर आते ही ट्रेन राइट हो गई है, केवल 5 मिनट की लेटिंग है। और ज़्यादा देर ट्रेन यहाँ रुकी भी नहीं है, लगभग 2 मिनट का होल्ड ही लिया है ट्रेन ने और उसके बाद ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। लेट है ना आज। लग रहा रुकेगी निकल गई निकली तो कभी आगे जाकर उसे पटरी पुटरी का
देखो हमने जो मेन ट्रैक्स हैं उनको छोड़ दिया है फिलहाल। ये सामने सीधे ट्रैक्स जा रही है, जाए हैं अब रुड़की होते हुए सहारनपुर अम्बाला की तरफ। और अभी हम जिन ट्रैक की तरफ बढ़ चुके हैं ये हम निकल जाएंगे अब लक्सर से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश, और इसीलिए लक्सर को जंक्शन बोला जाता है। प्लेटफॉर्म से हम टोटल 8 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। पर भी केवल दो ही प्लेटफॉर्म और यहाँ पर भी केवल 8 ट्रेन ही होल्ड करती हैं।
पास 5 मिनट की लेटिंग के साथ। स्टेशन कोड IKK केवल 2 ही प्लेटफॉर्म और 8 ट्रेन यहाँ पर होल्ड होती है। गंदे मेले उठ जाते वहाँ ले लियो घर द्वार में। हरिद्वार नहीं आई कल फिर सामने पहली बार आ रही है कड़। बाहर देना शुरू हो गए सामने देखिए एक बज के 20 मिनट पर हमारी ट्रेन ज्वालापुर आ गई है और 1 घंटे अब लगभग ये हरिद्वार पहुंचने में लगाएगी। मेरा जो डेस्टिनेशन था वो हरिद्वार ही था तो फाइनली मैं यहाँ उतर गया हूँ। 1 घंटा फोन वेट करेगा बट ये ट्रेन 2 बजे हरिद्वार पहुंच जाएगी और बिफोर यहाँ पर ये ऑन टाइम आई है। हमारी ट्रेन का भी ट्रेन नंबर तो फिलहाल नहीं बदला है, 04359 ही है, लेकिन इसका किराया ज़रूर चेंज हो गया है। पहले इसके अंदर मेल एक्सप्रेस का किराया लग रहा था बट अभी पैसेंजर का नॉर्मल फेयर जो है वो वापस आ चुका है। ज्वालापुर स्टेशन पर जो इसका फुट ओवर ब्रिज है उस काफ़ी अच्छा करके बनाया है, काफ़ी चौड़ा कर दिया है, पहले इतना नहीं था और स्टेशन को भी रिडेवलप किया गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस अगर मैं ज्वालापुर स्टेशन की बात करूं तो JWP इसका स्टेशन कोड है। यहां पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो मुझे दिख भी रहे हैं, सामने की तरफ आपको भी दिख रहे होंगे, देखो पीछे की तरफ 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पर टोटल 14 ट्रेन्स होल्ड करती हैं। गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा।
व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस पूरी जर्नी के दौरान जो आपको बेस्ट चीज़ लगी, जो बेस्ट पार्ट लगा, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप भी करिएगा। फ्यूचर में आपको ऐसी जर्नी देखने के लिए मिलती रहेगी। बड़ा मन था मेरा आज पैसेंजर ट्रेन की जर्नी करने का, इसीलिए मैं पैसेंजर ट्रेन से आया हूँ, वरना मैं चाहता तो एक्सप्रेस ट्रेन से या बस से भी आ सकता था, बट काफ़ी दिनों से मैंने पैसेंजर ट्रेन में कोई जर्नी की नहीं थी, इसीलिए मैं आज पैसेंजर ट्रेन से मैंने ये जर्नी की है सिर्फ आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।